दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे छह ऐसे सवाल जो आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी में कन्फर्म आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट है साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन या फिर चाइल्ड साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, कई नामों से आपके सेमेस्टर में, आपके एग्जाम्स में रहता है। स्पेशली ये सब्जेक्ट आपके फर्स्ट सेमेस्टर में या फर्स्ट ईयर में जरूर 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 रहता है। तो आइए इस वीडियो में हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के ऐसे छह सवाल देखेंगे जो कि कन्फर्म आपसे सवाल पूछे जाते हैं। छह सवाल, छह टॉपिक को हम कवर अप करेंगे। तो वो कौन कौन से छह टॉपिक है, आइए पहले एक बार उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो छह सवालों का ये महामैराथन होने वाला है। ये छह सवाल एग्ज़ाम में जरूर पूछे जाएंगे और आज तक अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपको डेफिनेटली ये सारे सवाल आपको मिलेंगे। तो छह महत्वपूर्ण टॉपिक आपकी परीक्षा में जो हमेशा पूछे जाते हैं। अब हम नज़र ये डालते हैं कि कौन है वो छह टॉपिक। यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या ये सच में छह टॉपिक आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, क्या सच में प्रीवियस ईयर में आपके सवाल में पूछे गए, क्या सच में आपकी यूनिट में ये शामिल है कि नहीं है, कन्फर्म शामिल होगा। आइए देखते हैं वो कौन से छह टॉपिक हैं, वो कौन से छह सवाल हैं। और इस टॉपिक के अंतर्गत जितने भी सवाल होंगे उन सबको भी देखा जाएगा, तो एक अच्छा, एक महत्वपूर्ण एक वीडियो होने वाला है। कम से कम छः में से पाँच तो कन्फर्म समझिए कि पाँच सवाल आपको एग्जाम्स में मिल ही जाएंगे। वो कौन कौन से हैं? पहला है दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान। अब जब हम ये यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान लिखा है तो ये समझिएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान किसे कहते हैं, इसकी अर्थ क्या होती है, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्लासरूम में इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी विशेषताएँ क्या है, इस तरीके के जितने भी संबंधित सवाल, महत्वपूर्ण सवाल आपकी परीक्षा में जो पूछे जा सकते हैं सब हम यहाँ पर देखेंगे। दूसरा है दोस्तों विकास की अवस्थाएँ एवं उनके विकास उनकी विशेषताएँ। अब जैसे विकास की अवस्थाएं में तीन मुख्यतः, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन्फेंसी, एडोलसेंस और टीनेज, ठीक है, या चाइल्डहुड या टीनेज, ठीक है। तो ये जो तीन अवस्थाएं, इसमें दो प्रमुख अवस्थाएं बाल्यावस्था और किशोरावस्था से अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि बाल्यावस्था को दो भागों में बांट दिया जाता है, उत्तर बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था। तो एक सवाल जरूर आपको बाल्यावस्था और किशोरावस्था में देखने को मिल जाएगा कि बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं, इसकी अर्थ, इसकी विशेषताएँ क्या हैं, इस तरीके के सवाल आपको, या फिर सिमिलरली किशोरावस्था से आपको क्या समझते हैं, किशोरावस्था को इन किन किन नामों से जाना जाता है, किस किस एज गैप को हम क्या कौन सी अवस्था कहते हैं, और इस अवस्था में बच्चे का विकास कैसे होता है, इस तरीके का महत्वपूर्ण आपको सवाल देखने को जरूर मिलेगा। तीसरा तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, नो डाउट, अधिगम किसे कहते हैं, अधिगम की परिभाषा क्या होती है, इसकी विशेषताएँ क्या होती हैं, ये तमाम हम जो सवाल इससे अधिगम मतलब लर्निंग से पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। चौथा दोस्तों वृद्धि और विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट, वृद्धि किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं, वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, प्रमुख अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप अगर प्रीवियस ईयर देख रहे होंगे, अगर आप क्लासरूम में स्टडी कर रहे होंगे तो देखेंगे ये सारे पॉइंट्स वो हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए पाँचवा है दोस्तों व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी के बारे में भी सवाल पूछता है कि व्यक्तित्व की अर्थ, परिभाषा, विशेषताएँ क्या होती हैं, ये भी आपसे सवाल पूछा जाता है। और छठा है दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ जिसे हम कहते हैं, ये वो टॉपिक है जिससे कन्फर्म आपसे सवाल पूछे जाते हैं। छह टॉपिक हैं दोस्तों, इन छह के छह टॉपिक्स में हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए कौन से है वो छह टॉपिक, आइए ज़रा नज़र डाल लेते हैं और इन छह टॉपिक को हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए पहला है दोस्तों मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़े सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में हम देखेंगे और शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल यही आता है भाई कि शिक्षा मनोविज्ञान किसे कहते हैं, उससे पहले एक सवाल आता है कि मनोविज्ञान किसे कहते हैं। ज़रा पहले आइए समझ लेते हैं कि हम मनोविज्ञान किसे कहते हैं, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान किसे कहते हैं। तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान, पहले मनोविज्ञान को देख लेते हैं। यहाँ पे मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है, साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, मनोविज्ञान का मतलब हम कहते हैं ना मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, मन का अध्ययन। इसीलिए इसको आपके बीएड या डीएलएड के सिलेबस में रखा गया है, क्योंकि जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे उससे पहले आपको उसके मन को जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे कितने तरीके के होते हैं, कैसे सोचते हैं, और किस बच्चे को कैसे पढ़ाना है, उसे मतलब मन को जान के ना, उसको समझा के, बुला के, फुसला के, जो भी कह दीजिए, उसको आप कैसे पढ़ाएंगे, इसलिए आपको सिलेबस में रखा है। मनोविज्ञान अगर आपसे कोई कहे कि मनोविज्ञान किसे कहते हैं, तो मनोविज्ञान का मतलब मन का विज्ञान होता है, आत्मा का विज्ञान होता है, मन का अध्ययन होता है। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं और ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, साइक और लोगोस। साइक का मतलब अर्थ, आत्मा, जबकि लोगोस का मतलब इसका, लोगोस का मतलब अध्ययन या विज्ञान कहते हैं, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ अनुसार मनोविज्ञान का अर्थ होता है आत्मा के संबंध में अध्ययन करने वाला विषय, मन के संबंध में अध्ययन करने वाला विषय, आत्मा के संबंध में अध्ययन करने वाला विषय, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं मनोविज्ञान। अब सवाल आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान किसे कहते हैं। तो
तो शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों का योग है भाई, शिक्षा और मनोविज्ञान। अतः शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक है शिक्षा संबंधित मनोविज्ञान। अभी आपने मनोविज्ञान को ये जाना कि मन का अध्ययन करने वाला विषय, अब शिक्षा संबंधित मन का अध्ययन करने वाला विषय। अब मन का अध्ययन में आपको प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या ये सब नहीं, पढ़ाई से रिलेटेड है, बच्चे को कैसे पढ़ाना है इसका रिलेटेड है। तो शिक्षा मनोविज्ञान मतलब शिक्षा संबंधित मन का विज्ञान, ठीक है। चलिए दूसरे शब्दों में शिक्षा मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक का वह व्यवहारिक रूप है तथा शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय है, अध्ययन करने वाला विषय है शिक्षा की प्रक्रिया। मतलब शिक्षा जब आप देते हैं तो एक टीचर कैसे बिहेव करेगा, बच्चा कैसे बिहेव करेगा, इनके व्यवहारों को, इनके मनों को पढ़ने वाला विज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान है। अब आइए इसकी कुछ परिभाषा देखेंगे और चीज़ें क्लियर होंगी। और आप देखिए आसान से शब्दों में इसलिए मैं रख रहा हूँ क्योंकि जब आप परीक्षा देंगे तो ऐसे ही आपको बना के लिखना है, जैसे आप इस तरीके से बना के लिखेंगे। आपको पता है कि शिक्षा मनोविज्ञान में दो शब्द हैं, पहला शिक्षा और दूसरा मनोविज्ञान। शिक्षा क्या है भाई, शिक्षा क्या है, शिक्षा व्यवहारों का क्या है, परिमार्जन है, द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एजुकेशन होता है। और मनोविज्ञान क्या है भाई, स्टडी ऑफ बिहेवियर, समझ में। शिक्षा क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, व्यवहारों का परिमार्जन है। और मनोविज्ञान क्या है, व्यवहारों का अध्ययन है, ठीक है। इसी प्रकार आप कह सकते हैं कि व्यवहारों के संशोधन के लिए टू मॉडिफाई योर बिहेवियर, और जो स्टडी हम यूज़ करते हैं वो हम कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। सो स्टडी ऑफ बिहेवियर टू मॉडिफाई द बिहेवियर, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, शिक्षा। तो इस तरीके से आप लाइन लिख के बना देंगे, ठीक है। एक तो आप शिक्षा लिखेंगे, शिक्षा मतलब जो आपके व्यवहार में संशोधित करता है, मॉडिफाई करता है, और साइकोलॉजी क्या करता है, आपके व्यवहारों का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान मतलब आपके व्यवहारों को कैसे मॉडिफाई करना है, इस चीज़ का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान यहाँ से निकल कर आता है। बहुत अच्छा, अगला पॉइंट देखते हैं। मनोविज्ञान का अर्थ हमने ऑलरेडी देख लिखा है, अब आइए मनोविज्ञान संपूर्ण मानव व्यवहार का अध्ययन है। अब कैसे आपको लिखना है, हेडिंग बना के कैसे एक पैराग्राफ लिखना है उसको देखिए। मनोविज्ञान संपूर्ण मानव व्यवहार का अध्ययन है। मनुष्य के भीतर होने वाली मानसिक घटनाओं का सूक्ष्म अध्ययन मनोविज्ञान के अध्ययन का आधार है। मानव व्यवहार प्राकृतिक और अर्जित दोनों है। मानव व्यवहार प्राकृतिक और अर्जित दोनों, इसका मतलब ये हुआ मनुष्य के कुछ व्यवहार जो है वो वंशानुक्रम से मतलब अनुवांशिक होते हैं, और कुछ व्यवहार वो अर्जित करता है, ठीक है। इसीलिए मनोविज्ञान के अंतर्गत इन दोनों मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है, इन दोनों का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है। किसका, दो व्यवहार आपने देखा, एक अर्जित और एक अनुवांशिक होते हैं, यानी पहले से प्राकृतिक होते हैं। तो इन दोनों व्यवहारों का आपको अध्ययन करना पड़ता है मनोविज्ञान के अंतर्गत। अब आइए कुछ परिभाषा देखते हैं, इससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत अच्छा, स्किनर ने क्या कहा था भाई, बीएफ स्किनर ने कहा था, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार तथा व्यक्तित्व आ जाता है। तो आप एग्जाम में कुछ इसी वगैरह से परिभाषा आसान से शब्दों में बना के लिखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार तथा व्यक्तित्व आ जाता है। चलिए, सारे ओम टेलफोर्ड ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह मनोविज्ञान का वह अंग है जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की वैज्ञानिक खोज से विशेष रूप से संबंधित है। सिंपल सी बात वही है कि शिक्षा से संबंधित जो आपके व्यवहार है ना, उसी से संबंधित है। इसी को इन्होंने इस शब्दों में कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह मनोविज्ञान का वो अंग है जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की वैज्ञानिक खोज के विशेष रूप से संबंधित है। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक समझ, उसी से विशेष रूप से संबंधित है, इन शब्दों में इन्होंने कहा था। बहुत अच्छा, कुछ और परिभाषा, इनमें से जो भी तीन परिभाषा आपको अच्छा लगे, आसान शब्दों में लगे, उसको जरूर याद कर लीजिएगा। क्रो ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तित्व के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तित्व के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। स्टीफन ने कहा था शिक्षा मनोविज्ञान बालक के शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। ये बड़ा आसान सा है, इसको जरूर आप याद कर लीजिएगा। स्टीफन ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान बालक के शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध सीक्वेंस वाइज स्टडी है, क्रमबद्ध अध्ययन है। थॉर्नडाइक कौन है भाई, थॉर्नडाइक कौन है, थॉर्नडाइक वही है जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है, ये हमारे कह दिया था किसने, थॉर्नडाइक ने कहा था। चलिए, इसमें से पांच परिभाषाओं में से जो भी मुख्य तीन या फिर चार आपको आसान लगे जरूर याद कर लीजिएगा, वैसे कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान यहाँ पे लिखा गया है। चलिए, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान यहाँ पे लिखा गया है। चलिए,
अब यहाँ पे एक सवाल आपसे ऐसे पूछ लेगा एग्जाम में कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य भाई आप क्यों करते हैं, आप इसका क्या उद्देश्य है, या फिर क्लास रूप में इसकी उपयोगिता क्या है, क्लास में इसका यूज़ क्या है। तो भाई जब आप बच्चों के मन के व्यवहार को पढ़ेंगे, बच्चे के मन को पढ़ेंगे, बच्चों के शिक्षा संबंधित व्यवहारों का अध्ययन करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, बालकों के प्रति निष्पक्ष तथा सहानुभूति दृष्टिकोण का विकास करने में सहायक होगा। आपके अंतर्गत एक सहानुभूति या फिर निष्पक्ष दृष्टिकोण होगा, मतलब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ने में बहुत तेज नहीं है, तो भाई सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, आप शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर पढ़ेंगे, आईक्यू लेवल पढ़ेंगे, उनके उनकी उनकी हालत स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, बुद्धि मंद बुद्धि इनकी क्षमता, तो आप देखेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सारे बच्चे एक समान नहीं होते, तो आपके अंदर ये सहानुभूति आएगी कि चलो ठीक है, लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से निष्पक्ष होकर आप उसको पढ़ाएंगे और मेहनत करेंगे, दूसरा तरीका अपनाएंगे उसको सिखाने के लिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य ये है, अब क्लासरूम में इसकी उपयोगिता क्या है कि बालकों के प्रति एक निष्पक्ष और सहानुभूति दृष्टिकोण का विकास होता है। किसके अंतर्गत? ये विकास अध्यापक के अंतर्गत होता है। वंचित शिक्षण विधियों एवं शिक्षण सामग्री के चयन के लिए शिक्षकों को सहायता प्रदान करता है। भाई क्या जरूरी शिक्षक विधि है, शिक्षक सहायक सामग्री है, क्या सही है, इसकी बारे में जानकारी आपको पता चलती है। अब जैसे आप आएंगे ना, कई प्रकार के TLM होते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं, तो कौन सा किस बच्चे के लिए ज़रूरी है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। शिक्षक को छात्रों के व्यवहार से संबंधित विभिन्न पक्षों के बारे में अवगत कराना, ठीक है, शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए उपयुक्त विधियों एवं युक्तियों का प्रदान करना, चलिए बहुत अच्छा। अगला देखिए, सामाजिक संबंधों के स्वरूप एवं समायोजन की प्रक्रिया का बोध करना। समायोजन एडजस्टमेंट की बात की जा रही है, सामाजिक संबंधों की बात की जा रही है, कैसे एक दूसरे को जोड़ के सिखाना है, कैसे करके सिखाना है, व्यवहार कैसे बदलना है, इन चीज़ों में आपको समझने में सहायक होगा जब आप शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ेंगे। तो व्यक्तित्व विभिन्नता के आधार पर विभिन्न तरह के बालकों के विकास में सहायक, भाई किसका क्या डिफरेंस है, कौन किससे अलग है, उनकी सहायता करने के लिए आपको इसका ज़रूरी है। शिक्षण के उद्देश्यों, युक्तियों, विधियों, प्रविधियों, व्यूह रचना आदि में निर्माण में सहायक, कि कौन सी शिक्षा के किस उद्देश्य के लिए पढ़ाना है, क्या युक्ति लगानी है, कौन सी विधि लगानी है, प्रविधि कि कौन सी व्यूह रचना करना है, इन सब में सहायक होगा जब आप शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ेंगे। वंचित अधिगम की दशा में बालकों को अभिप्रेरित करने, बच्चों को मोटिवेशन देना, कोई बच्चा फेल हो गया तो भी आप उसको समझाएंगे कि नहीं आप और अच्छा कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो आपको मोटिवेट अभिप्रेरित करने के लिए भी विधियों तथा युक्तियों की जानकारी प्रदान करना, किस तरीके से मोटिवेट, ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य के अंतर्गत। और क्लासरूम में इसका यही सवाल ये भी पूछे ना कि शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान कितना सहायक है और क्यों, तो ये सारे पॉइंट वहाँ भी काम आपको कर जाएंगे, ये सारे पॉइंट वहाँ भी आपके लिए सहायक होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने शिक्षा मनोविज्ञान, अर्थ, परिभाषा और क्लासरूम में उसका क्या उद्देश्य है यहाँ पे देखा, इससे संबंधित आपसे सवाल पूछेंगे। मैं आशा करता हूँ अगर आपसे कुछ भी पूछता है तो आप इसको ज़रूर लिख लेंगे। चलिए अब मान लीजिए एक सवाल आपसे ऐसे पूछ दे कि शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या संबंध है, बात वही है लेकिन लिखेंगे कैसे, ज़रा एक नज़र यहाँ पे डाल लीजिए। वर्तमान में शिक्षा को प्रभावशाली एवं उपयोगी बनाने के लिए मनोविज्ञान विशेष रूप से सहायक हो रहा है, शिक्षा और मनोविज्ञान, इसी कारण इस बात पर बल दिया जाता है कि शिक्षा का मुख्य आधार मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। आज की शिक्षा पूरी तरह बाल केंद्रित है, इसका परिणाम यह हुआ कि शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे के बहुत निकट आ गए हैं, अतः शिक्षा और मनोविज्ञान घनिष्ठ संबंध है। अब यहाँ से आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मनोविज्ञान क्या करता है भाई, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है और शिक्षा मानव व्यवहार में परिवर्तन लाता है, इसी प्रकार दोनों ही मानव जीवन से संबंधित है, दोनों ही केंद्र बिंदु व्यक्ति होता है, पढ़ने वाला बालक होता है। वास्तव में मनोविज्ञान जहाँ मानव मन की गहराइयों में पहुंचकर विभिन्न मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, मानव की अनुभूति व्यवहार तथा तथ्यपूर्ण विश्लेषण करता है, वहीं शिक्षा वह सामाजिक प्रक्रिया है जो मानव व्यवहार में उद्देश्यपूर्ण परिवर्तन लाता है। अब मनोविज्ञान से आप क्या करेंगे, मनोविज्ञान से आप दोस्तों मन का अध्ययन करेंगे, ठीक है, मानव के मन की गहराइयों में पहुंचकर विभिन्न मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, विश्लेषण करता है, और शिक्षा क्या करता है, उस उद्देश्य के आधार पर बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन करता है। सिंपल समझिए, आपके दो शब्द यहाँ पे ये निकल के आते हैं कि मनोविज्ञान बालक के मन के व्यवहार का अध्ययन करता है और शिक्षा क्या करता है, उस व्यवहार में परिवर्तन, उस उद्देश्यपूर्ण व्यवहार को परिवर्तन कर देता है। जो भी शिक्षा क्या है भाई, आपका व्यवहार अगर गलत हो तो उसको सही व्यवहार में परिवर्तन, किस पे, जो मनोविज्ञान ने अध्ययन किया। मानव व्यवहार में यह वांछित परिवर्तन मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं नियमों के आधार पर अधिक सुनिश्चित परिणाम प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है। इस तरह शिक्षा और मनोविज्ञान परस्पर संबंधित है। सिंपल सी बात यह है दोस्तों,
यहाँ बस ये समझ जाइए कि मनोविज्ञान आपके मन का अध्ययन करता है और शिक्षा क्या करता है, आपके व्यवहार में परिवर्तन करता है। अब शब्दों की यहाँ पे आपकी चतुराई होगी, शब्दों का आपका यहाँ पे कला होगा कि आप कैसे लिखेंगे, कि वास्तव में मनोविज्ञान जहाँ मानव के मन की गहराइयों में पहुंचकर विभिन्न मानसिक क्रियाओं का अध्ययन कर मानव की अनुभूति और व्यवहार का तथ्यपूर्ण विश्लेषण करता है, और शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है जो मानव के व्यवहार में उद्देश्यपूर्ण परिवर्तन लाता है। इस तरीके से आप शब्दों में बनाकर लिखेंगे। मनोविज्ञान के शिक्षा संबंधित महत्व को स्वीकार करते हुए पेस्टलॉजी लिखते हैं। पेस्टलॉजी एक बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक है, मेरे फेवरेट है। मैं इनकी पोस्ट पढ़ता हूँ, मतलब पोस्ट नहीं, इनकी किताबें पढ़ता हूँ, ये मेरे फेवरेट है। कभी मौका मिलेगा तो मैं इनके तथ्यों को बताऊँगा, ये मेरे फेवरेट है। इन्होंने लिखा, शिक्षक को बालक के मस्तिष्क का अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और ज्ञान मनोविज्ञान के अध्ययन के अभाव में संभव नहीं हो सकता। शिक्षक को बालक के मस्तिष्क का अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और यह ज्ञान मनोविज्ञान के अभाव में संभव नहीं है, यह पेस्टलॉजी ने लिखा है। चलिए, मन को पढ़ने की दोस्तों मनोविज्ञान के, शिक्षा मनोविज्ञान के कई मेथड्स हैं, कई तरीके हैं। इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा, दो तीन को मैं एक्सप्लेन करूँगा, बाकी आप स्वयं भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इतना पूरा नहीं पूछेगा आपसे, बट हाँ, अगर पॉइंट पूछता है तो आप इसको एक एक बार ध्यान में रखिए। जैसे पहला क्या है, अंतर निरीक्षण विधि, बाह्य निरीक्षण विधि। शब्दों से आप समझे, खुद से अंतर निरीक्षण विधि, बाह्य निरीक्षण विधि मतलब दूसरा आपके व्यवहार को देख के करेगा। प्रयोगात्मक विधि, प्रैक्टिकल के द्वारा। व्यक्ति इतिहास विधि, मतलब व्यक्ति का पहला कैसा इतिहास रहा है, उसके पहले कैसे व्यवहार रहे हैं, उस आधार पर आप उनका मनोवैज्ञानिक अध्ययन करेंगे, उस प्रकार से आप उनको समझने की कोशिश करेंगे। गथा वर्णन, विकासात्मक, तुलनात्मक, साक्षरात्मक, प्रश्नावली विधि, सांख्यिकी विधि, उपचारात्मक विधि, परीक्षण विधि, मनोविज्ञान, मनोविश्लेषण विधि। तो ये कुछ विधियाँ हैं, सबको नहीं पढ़ना है, दो तीन आप पढ़ लेंगे, दो तीन आप समझ लेंगे। चलिए, पहला है दोस्तों अंतर्दर्शन। इसमें क्या है ना, आपको खुद करना है, ठीक है, खुद से आपको अपने बारे में सोचना है। अंतर्दर्शन विधि के माध्यम से व्यक्ति के चेतन मन का अध्ययन किया जाता है। स्काउट द्वितीय अंतर्दर्शन विधि के तीन स्तर बताएं। पहला, व्यक्ति अपने मन का अंतर निरीक्षण करता है, उसका विश्लेषण करता है, मानसिक प्रक्रियाओं में सुधार लाने का प्रयास करता है, मतलब खुद से ये करने की कोशिश करता है। अंतर्निरीक्षण विधि की भाई कुछ गुण हैं, कुछ फायदे हैं, कुछ दोष भी होंगे, देख लेते हैं। इस पद्धति का सबसे बड़ा गुण यह है कि व्यक्ति अपनी मानसिक क्रियाओं और अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करके अपने को समझने में समर्थ हो जाता है। व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं का सीधा अध्ययन अंतर्निरीक्षण विधि द्वारा ही संभव है। जैसे सुख दुख में किस प्रकार का अनुभव होता है, इसका उत्तर वह अंतर्निरीक्षण विधि द्वारा दे सकता है। जैसे मैं अपनी बात करूं, मतलब प्रैक्टिकली मैंने अपने आप में अंतर्निरीक्षण किया है, जैसे कोई बहुत बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ जाए ना, तब भी मुझे मतलब बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होती, या फिर कोई बैड न्यूज़ भी आए तो मुझे मतलब थोड़ा सा मैंने अपने आप को मैं देखता हूँ इमोशन लेस कह लिया, मतलब मुझे उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर बहुत खुशी की बात हो गई तब भी ठीक है, एक पल के लिए मुझे लगता है इट्स ओके फाइन। कोई बहुत गम की बात आ गई तो ठीक है, इट्स ओके फाइन, इस वजह से नेचर और जो भी, मतलब मुझे ऐसा फील होता है, ठीक है। तो ये मेरा अंतर्निरीक्षण विधि है, मैंने अपने आप को निरीक्षण किया है। चलिए, इस विधि का प्रयोग किसी भी समय किसी स्थान पर किया जा सकता है। इस पद्धति किसी प्रयोगशाला यंत्र सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती। रॉस ने लिखा है कि मनोविज्ञान का स्वयं का मस्तिष्क प्रयोगशाला होता है, क्योंकि यह सदैव उसके साथ रहता है, इसलिए वो अपनी इच्छा अनुसार किसी, मतलब मस्तिष्क से, ये तो भाई मस्तिष्क आपका अपना प्रयोगशाला है, हमेशा आपके साथ रहेगा, किसी भी समय किसी भी समय आप इसको क्या कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। चलिए, इस पद्धति का बार बार प्रयोग करने से व्यक्ति की अच्छी विचार शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है, लॉजिकल थॉट्स, आइडिया, बात करने, ये इसका आपका क्या कहता है, शक्ति बढ़ जाती है। इस विधि से दूसरों की मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जा सकता है। मानसिक क्रियाओं के संबंध में विभिन्न व्यक्तियों को जो अनुभव हुए हैं उनकी तुलनात्मक अध्ययन भी किया जा सकता है। जैसे मेरे साथ ऐसा है तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा, कुछ इस तरीके से आप अध्ययन कर सकते हैं। अंतर्निरीक्षण विधि द्वारा मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन आरंभ हुआ, अतः मनोविज्ञान को विज्ञान बनाने की इस विधि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यद्यपि इस विधि का प्रयोग क्षेत्र सीमित है, फिर भी इसकी सहायता से अनेक मनोविज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन हुआ है। अंतर्निरीक्षण विधि मनोविज्ञान की एक उपयोगी विधि है, एक महत्वपूर्ण विधि है। बस समझने की कोशिश करिए कि ये है क्या, अपने शब्दों में कोशिश करिए इसको लिखने की। अंतर्दर्शन विधि, अंतर्निरीक्षण विधि, समझा आपने, खुद से देखना, मन को जानना, अपने मस्तिष्क उस पर विचार करना, सोचना, अपने बारे में जानना, अपने मन को समझने की कोशिश करना। अंत इसकी आलोचना यह है भाई कि इसको हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता, जिसने चेतन की क्षमता मतलब चिंतन की क्षमता ज़्यादा हो वही लोग इसको कर सकते हैं। छोटे बच्चे वो असामान्य व्यक्ति अंतर्दर्शन नहीं कर सकते। एक व्यक्ति के अंतर्दर्शन के आधार पर सामान्य नियम निकालना गलत होगा, समझ में आ रही बात। जैसे एक का अगर मन ऐसा है तो वो सामान्य नियम नहीं बन सकता, ठीक है, इसकी आलोचनात्मक अध्ययन।
दूसरा दोस्तों बाह्य निरीक्षण विधि। बाह्य निरीक्षण मतलब आप किसी का व्यवहार देखकर आप उस पर कुछ टिप्पणी करेंगे, उसका कुछ अध्ययन करेंगे। इस विधि में अध्ययनकर्ता व्यक्ति के व्यवहार और क्रियाओं का निरीक्षण अपने पूर्व अनुभव के आधार पर करता है। इसमें बाह्य रूप से जो कुछ स्पष्ट दिखाई देता है उसका निरीक्षण किया जाता है और उसी के आधार पर उसकी मानसिक स्थिति का पता लगाया जाता है। जैसे दुख में वो कैसा रहता है, गम में वो कैसा रहता है, खुशी में वो कैसा बिहेव करता है, तो ये आप उसका बाह्य व्यवहार देख के अध्ययन करके आप उस पर कुछ निर्णय लेते हैं। व्यक्ति के व्यवहार क्रियाओं या प्रक्रियाओं का ध्यानपूर्वक निरीक्षण उसकी मानसिक अवस्था का पता लगाया जाता है। उसके व्यवहार का अध्ययन करके, उसके व्यवहार को देख के उसकी मानसिक स्थिति का पता लगा सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को मुस्कुराता देखकर हम जान लेते हैं कि वो प्रसन्न है, आंसू बहाता देखकर हम दुखी समझते हैं। बाह्य निरीक्षण द्वारा स्वाभाविक परिस्थिति में होने वाले व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उसके मन में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, तो हम बाह्य रूप से निरीक्षण करके हम देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। दूसरा दोस्तों प्रयोगात्मक विधि, इसको समझ लीजिए। प्रयोगात्मक विधि का मतलब आप उसको किसी सिचुएशन में देखते हैं, किसी सिचुएशन में डालते हैं। जैसे आपने स्पॉन्टेसली कुछ क्वेश्चन कर दिया अचानक, या फिर सरप्राइजिंग कुछ उसके गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़, तो आप देखेंगे कि उस समय वो कैसा रिएक्ट करता है। प्रयोगात्मक विधि का मतलब आप ऐसी स्थिति बनाएंगे जो विभिन्न स्थितियों में उसको डालेंगे, फिर आप देखेंगे उसका रिएक्शन कैसा आता है, तो उस समय आप उसका निरीक्षण करेंगे। तो ये प्रयोगात्मक विधि के अंतर्गत आता है। चलिए, इन तीन विधियों को हम यहाँ रहने देते हैं दोस्तों, बाकी और आप आसानी से लिख सकते हैं। ये तीन विधि आपके लिए महत्वपूर्ण थी। अब हम यहाँ पे देखेंगे आपका जो दूसरा टॉपिक था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में। ठीक है, कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था से जुड़े संबंधित, कि बाल्यावस्था किसे कहते हैं, कब माना जाता है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, ठीक उसी प्रकार से किशोरावस्था क्या है, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो हम इन टॉपिक को देखेंगे, इस पॉइंट को देखेंगे। यहां तक दोस्तों मज़ा आया हो, पसंद आई तो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, भागिए मत, घबराइए मत, और थोड़ा सा मुझे खुशी होगी आप इसको ज़रा कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अभी हम देखेंगे ना, तो आप इसको कर दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में। चलिए, तो दोस्तों हम पहले देखेंगे बाल्यावस्था के बारे में, ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे किशोरावस्था पे। तो बाल्यावस्था का मतलब, जैसे इसको अच्छे से आप रिलेट कर पाएंगे, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा या बच्ची हो सकता है ना, भैया का लड़का, दीदी के लड़का लड़की, या भतीजा, कजन, कोई भी हो सकता है, तो वहाँ पे आप अच्छे से रिलेट करेंगे। देखिए, यह अवस्था शैशवावस्था के बाद, जब बचपने के बाद से इसको माना जाता है, इस अवस्था में बालक शैशवावस्था की विकास की प्रक्रिया को इस अवस्था में पहुँचते हैं, मतलब कि पूरी कर, शैशवावस्था की जब अवस्था पूरी हो जाती है, जब वो 6 साल का हो जाता है, तो हम उसको बाल्यावस्था मानते हैं, उसको हम एडोलसेंस मानते हैं। यह अवस्था छात्रों के व्यक्तित्व एवं चरित्र निर्माण की अवस्था होती है। यहाँ पे बच्चे का व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण होता है, इसलिए कई मनोवैज्ञानिक इस अवस्था को निर्माणकारी अवस्था भी मानते हैं, निर्माणकारी अवस्था मानते हैं। यह अवस्था 6 से 12 अवस्था की आयु में होती है। इसके अंतर्गत 2 भागों में विभाजित किया गया है, 6 से 9 के पूर्व बाल्यावस्था और 9 से 12 वर्ष को उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं, इसके रूप में विभाजित होता है। चलिए, बाल्यावस्था की कुछ परिभाषा देख लेते हैं। आपने देखा ना, 6 से 9 मतलब पूर्व और 9 से 12 मतलब उत्तर बाल्यावस्था, 9 से 12। चलिए, किलपैट्रिक ने कहा था कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का हाल है। ठीक है, बच्चे को घर में रखेंगे तो कहे नहीं नहीं मैं घर में नहीं, मुझे बाहर खेलने जाना है। कॉल एवं ब्रूस के अनुसार इस अवस्था को समझना प्रत्येक माता पिता के लिए कठिन है। ठीक है, समझना समझाना, मतलब जीत पे अड़ जाते हैं बच्चे, मैं बाहर जाऊंगा को जाऊंगा, चाहे कितनी भी ठंडी हो, चाहे कितनी भी गर्मी हो, मैं कपड़ा नहीं पहनूंगा तो नहीं, तो इस तरीके की प्रतीकात्मक अपोजिशन होने लगता है बच्चों से। रॉस कहते हैं कि बाल्यावस्था झूठा परिपक्वता की आयु, मतलब बच्चों रहता है मैं बेस्ट हूँ, मतलब इस तरीके से रॉस ने कहा था। अब इसकी कुछ विशेषताएँ देखते हैं, ठीक है, बाल्यावस्था की कुछ विशेषताएँ देखते हैं। चलिए, इसको हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। मूर्त संक्रियात्मक मतलब कि जो चीज़ें उसके सामने दिखाई देंगी ना, उसी के बारे में वो सोच सकता है, जो चीज़ें उसको दिखाई नहीं देती हैं उसके बारे में वो, जैसे 6 से 12 साल का बच्चा मूर्त संक्रियात्मक, जो चीज़ें दिखाई देती हैं उसके बारे में उसको ज़्यादा ध्यान देता है। मैं एक जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, एक बच्चे को अपने सामने ऑपोजिट खड़ा करा दीजिए और उससे बोलो कि राइट हैंड उठाए, तो बिल्कुल आपके सामने के हाथ वाला उठाए, उसको लगेगा कि ये राइट है उसका, लेकिन उसका राइट तो अलग होगा, तो इस तरीके से क्या होगा, वो विपरीत, जैसे उसको बगल में खड़ा कर दीजिए और उससे कहिए दाहिना उठाए, तो इस तरीके से वो जो सामने जो चीज़ें हैं वो दिखाई उसको देती हैं, जो रिवर्स में नहीं सोच सकता। ठीक है, खेल की अवस्था मतलब बच्चों के साथ खेलना उसको पसंद होता है इस अवस्था में, 6 से 12 साल की अवस्था में, तो ये क्या भाई, खेल की अवस्था होती है। निर्माणकारी अवस्था बताया गया, निर्माणकारी का मतलब इस अवस्था में चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का निर्माण होता है और मुख्य रूप से होता है, तो इसको
निर्माणकारी अवस्था कहते हैं। सामुदायिक अवस्था मतलब ग्रुप में खेलना अच्छा लगता है बच्चों का 6 से 12 अवस्था में। संवेदनशील सेंसिटिव भी होता है मतलब चिढ़ा दो तो रोने लगते हैं, डांट दो तो रोने लगते हैं, इस तरीके से चिढ़ा तो संवेदी बहुत ही संवेदनशील अवस्था होती है। चिंतन मतलब इस अवस्था में बालक चिंतनशील हो जाते हैं अर्थात वो सही गलत की पहचान करने लगते हैं, किसी विषय की तह तक जाने का प्रयास करता है, वस्तुओं को समझने का प्रयास करता है, बहुत ज़्यादा सवाल भी पूछते हैं इसी अवस्था में, तो ये एक चिंतन की अवस्था भी होती है। किसकी बात कर रहे थे, हम बात करते हैं बाल्यावस्था की। चलिए किशोरावस्था के बारे में समझते हैं। किशोरावस्था का मतलब टीनेज, यह कब से होता है भाई, ये 12 वर्ष के बाद, 12 से 18 साल तक, 18 के बाद प्रौढ़ावस्था, ठीक है। किशोरावस्था को एडोलसेंस कहते हैं। एडोलसेंस का लैटिन भाषा में एडोलियर से बना है जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की तरफ बढ़ना, ठीक है। अतः शाब्दिक अर्थ के रूप में हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था वह काल है जो परिपक्वता की तरफ संक्रमण करता है, लेके जाता है परिपक्वता की तरफ लेके जाता है। 12 से 18 वर्ष की आयु को विद्वानों ने किशोरावस्था का काल माना है। किशोरावस्था जन्म के समय शैशवावस्था बाल्यावस्था के बाद मानव विकास की तीसरी अवस्था है जो बाल्यावस्था की समाप्ति के बाद शुरू होता है और प्रौढ़ावस्था के से पहले समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो बाल्यावस्था मतलब तीसरी अवस्था है, पहला शैशवावस्था, दूसरा सॉरी किशोरावस्था तीसरी अवस्था है, पहला शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था। बाल्यावस्था के खत्म होने के बाद और प्रौढ़ावस्था से शुरू होने से पहले तक की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। बहुत अच्छा। किशोरावस्था जीवन का बसंत काल, मतलब बसंत का मतलब इसलिए मतलब एक रंगीन काल होता है, मतलब हरा भरा काल होता है, खुशी मिजाजी होता है, ठीक है। कहा इस अवस्था में तूफान और झंझावट की अवस्था भी कहती है, जोश होता है, तूफान होता है, प्रेम, ये सारी चीज़ें इसी में होती हैं, गलत फहमियाँ। इसलिए इस अवस्था को जीवन के सबसे कठिन कालों से नाम से जाना जाता है। युवा होते हैं मतलब शक्ति भी होती है, जोश भी होते हैं, उत्साह भी होता है, जिद भी होता है, जुनून भी होता है, सब कुछ होता है इसमें। किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं का बहुत तेज़ी से विकास होता है। इस अवस्था में विभिन्न अंगों का विकास होता है जैसे मस्तिष्क का विकास, हड्डियों का विकास, लंबाई मोटाई का विकास, आवाज़ में परिवर्तन, आंतरिक अंगों का विकास एवं अन्य अंगों का विकास इत्यादि इसी अवस्था में होता है, ठीक है। चलिए किशोरावस्था की परिभाषा देख लेते हैं। कुल्हान के अनुसार किशोरावस्था बाल्यकाल तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य अत्यधिक परिवर्तन का संक्रमण काल है, इस तरीके से इन्होंने परिभाषित किया है इसको। जर्सिस ने कहा था कि किशोरावस्था वह अवस्था है जिससे मनुष्य बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। स्टेनहॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान तथा विरोध की अवस्था है। अच्छा, विरोध की अवस्था है। किशोरावस्था की परिभाषा में ब्लेयर जोन्स ने कहा था कि किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त हो जाता है। बस वही बात इनको रिपीट कर दी गई है। क्रो एंड क्रो ने कहा था किशोरावस्था वही वर्तमान की शक्ति वो भावी आशाओं को प्रस्तुत करता है। वर्तमान की शक्ति वो भावी आशाओं को प्रस्तुत करता है, कितना वर्तमान में पोटेंशियल है, भविष्य में किस ओर जाएगा, इसको यहाँ पे प्रदर्शित करता है। कौन सा भाई, किशोरावस्था। बहुत अच्छा। अब आइए किशोरावस्था की विशेषताएँ देखेंगे, बहुत जल्दी जल्दी देखेंगे, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसमें। शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, आपको दिखाई भी देने लगता है कि बच्चे का शारीरिक परिवर्तन किस तरीके से होता है। मानसिक और बौद्धिक विकास, सोचना समझना शुरू कर देता है, बोलना, विचार करना, तर्क करना, डिबेट करना, ये सारी चीज़ें इस अवस्था में शुरू हो जाती हैं और अच्छे तरीके से करता है। कल्पना की बहुकला है ना, कल्पना शक्ति, सोच विचार खोए रहना। किशोरावस्था की एक विशेषता यह है कि किशोरावस्था में कल्पना की बहुलता देखने को मिलती है। किशोर कल्पना का प्रधान होता है, उसका अधिकांश समय दिव्य स्वप्न देखने में ही व्यतीत होता है। दिव्य दिवा स्वप्न किशोरों को प्रेरणा देता है और इस आधार पर रचनात्मक कार्य करते हैं। किशोरावस्था में उसकी कल्पना शक्ति काफ़ी विकसित हो जाती है, इन कल्पना शक्ति के आधार पर वो अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास करता है, ठीक है। आत्म केंद्रित होना दोस्तों, इस अवस्था में किशोर दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है। अच्छा बनना, स्मार्ट लगना, अच्छे कपड़े पहनना, इस तरीके बालों में जेल लगाना, परफ्यूम लगाना, ये सारी चीज़ें इस अवस्था में होती है। एक आत्मकेंद्रता होती है किशोरावस्था में। विद्रोह की प्रवृत्ति का मतलब दोस्तों कि इस अवस्था में आप उनको ज़्यादा रोक टोक नहीं कर सकते, मतलब रोक टोक करने से उनको लगता है कि अरे इनको दबाया जा रहा है, इनको वो किया जाए, तो इसमें क्या है भाई, इसमें विद्रोह की प्रवृत्ति होती है, इसमें उनको आप रोक टोक नहीं कर सकते। इसमें विचारों में मतभेद होता है ना, मतभेद होना, वो अपने तरीके से सोचता है, हम अपने तरीके से सोचते हैं। संवेगात्मक विकास होने लगता है, इमोशन उनके अंदर डेवलप होने लगता है,
किसी व्यक्ति से, किसी अपने जैसे अपने साइकिल से बड़ा प्यार है, किसी डॉगी से, किसी पेट से, किसी दूसरे व्यक्ति से भी बड़ा प्यार, तो उसके अंदर इमोशन संवेग उनके अंदर क्या होता है भाई, डेवलप होने लगता है। अन्य विशेषताएँ देख लेते हैं जैसे अस्थिरता। अस्थिरता का मतलब सपने बदलते रहते हैं, जैसे क्रिकेट का मैच देख लेंगे तुमको क्रिकेटर बनना है, डॉक्टर वाली मूवी देख लेंगे तुम्हें डॉक्टर बनना है, जी तो इस तरीके से ना अस्थिरता होती है। अपराध वृत्ति मतलब ऐसी फ्रेंड सर्कल मिल गए जैसे कि सिगरेट पीना, चिढ़ाना, कभी किसी का ग्लास तोड़ देना, मतलब गुस्सा, इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। रुचि और अभिरुचि का विकास, चीज़ों का इंटरेस्ट और नॉन इंटरेस्ट शुरू होने लगता है। काम भावना, एक जो डिज़ायर होती है वो इनके अंदर जागरूक हो जाती है किशोरावस्था में। वीर पूजा मतलब किसी को आइडियल मानना, कोई ये व्यक्ति हमारे लिए आइडियल है, इनके हम, तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर शुरू हो जाती हैं। व्यवहार में विभिन्नता तो जनरल सी बात है। सामाजिक भावना भी होती है, जुलूस निकालना, रैलियों में जाना, इस तरह के कार्य होने लगते हैं। मानसिक स्वतंत्रता की भावना मतलब उनको मेंटली कोई दबाव नहीं चाहिए, इस तरह की सोच होती थी। स्वाभिमान की भावना भाई, मारा क्यों उसने, गाली क्यों दिया, गाली दे तो औकात देख लो, तो ये सारी चीज़ें भड़कना, तो स्वभान मतलब स्वाभिमान की भावना हो जाती है। धार्मिक भावनाएँ भी उग्र होती हैं इस समय। ये कब की बात है भाई, किशोरावस्था की बात। तो ये अवस्थाओं की कुछ विशेषताएँ हैं। ज़रूर आपसे सवाल पूछता है तो आप कुछ इस बिंदुओं पर आधार पर लिख सकते हैं, तमाम बिंदु हैं, कोई 5, 6, 7, 8 लिख लीजिएगा अपने समय और अपने पन्ने के हिसाब से। चलिए अगला हम देख लेंगे दोस्तों, तीसरा हमारा पॉइंट आएगा अधिगम के बारे में, जिसको हम लर्निंग कहते हैं। अधिगम क्या होता है, अधिगम संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं वो हम देखेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं अधिगम से संबंधित। समझ में आ रहा है भाई, बहुत मैं आसान से शब्दों में लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये मैं सोच रहा हूँ कि एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाए, इसलिए मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। अब आइए ज़रा अधिगम को देख लेते हैं, अधिगम किसे कहते हैं, अधिगम क्या होता है, ठीक है, तो आइए देखते हैं अधिगम के बारे में। चलिए ये दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में अधिगम, लर्निंग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। जब हम लर्निंग कहते हैं तो कुछ समझ में आता है कि भाई लर्निंग है, अधिगम कहते हैं तो कुछ ज़्यादा ही प्योर हिंदी हो जाता है, ठीक। अधिगम के बारे में देखते हैं, सामान्य अर्थों में किसी नवीन बात को सीखना अधिगम कहलाता है, नई चीज़ों को सीखना, जानना, ज्ञान हासिल करना, सीखना अधिगम कहलाता है, अर्थात सीखना ही अधिगम है। जन्म लेने के पश्चात व्यक्ति अपने को एक विशेष प्रकार के भौतिक तथा सामाजिक वातावरण से घिरा पाता है। हम जब भी दुनिया में आते हैं तो कुछ प्राकृतिक सामाजिक चीज़ों से हम घिरे रहते हैं। व्यक्तित्व की विभिन्नताओं और आवश्यकताओं की पूर्ति इस भौतिक सामाजिक वातावरण के अंतर्गत ही होती हैं, हमें जो चाहिए वो हमें यहीं से मिलती हैं, किंतु इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति को कुछ न कुछ अपने वातावरण से संघर्ष या अनुकूलन करना पड़ता है। हमें कुछ संघर्ष करना पड़ता है, कुछ नकल करना पड़ता है, कुछ सीखना पड़ता है। इस प्रकार के अनुकूलन के लिए वह अपनी आयु के अनुसार प्राप्त अनुभव के आधार पर परिवर्तन लाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हम अपने व्यवहारों में कुछ परिवर्तन लाते हैं, यह परिवर्तन लाना ही एक प्रकार का सीखना है। जैसे जैसे हम परिवर्तन लाते हैं, वास्तव में यही से, जैसे बच्चा जब आता है उसे बोलना नहीं आता, हम अपने समाज को देखते हैं, अनुकरण करते हैं और धीरे धीरे उसे अपने व्यवहार में पालन कर लेते हैं। वास्तव में हम क्या होते हैं, हम सीख जाते हैं, हम बोलना सीख जाते हैं, चलना सीख जाते हैं, हम दौड़ना सीख जाते हैं, हम पढ़ना सीख जाते हैं, हम खेलना सीख जाते हैं, तो हम उसी व्यवहारों का अनुकरण करते हैं, उसी सामाजिक व्ययवहारों का कार्य का अनुकरण करते हैं और अपने व्यवहार में लाते हैं और सीखना कराते हैं। यही जो परिवर्तन दोस्तों, यही सीखना कहलाती है, यही दोस्तों अधिगम कहलाती है। परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा अपने व्यवहारों में संशोधन और परिवर्तन करना ही क्या कहलाना है, सीखना कहलाना है। अपने व्यवहारों को संशोधन करना और परिवर्तन करना, यही क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, ठीक है, गिलफोर्ड ने कहा था। स्किनर ने कहा था, सीखना व्यवहार में गतिशील सामंजस्य प्रक्रिया है, एडजस्टमेंट की प्रक्रिया है अपने व्यवहारों में। ये तीन परिभाषाएं प्रमुख रूप से आपके पास हैं, कुछ और परिभाषा देख लेते हैं। क्रो एंड क्रो ने कहा था कि सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अध्ययन है। कोई आदत सीख लें आपने, कोई ज्ञान हासिल कर लें, कोई एटीट्यूड आ गया, कोई अभिवृत्ति आ गई, वास्तव में यही क्या होती है, सीखना कहलाती है। क्रॉनवेक ने अनुसार सीखना अनुभव के पल स्वरूप व्यवहार में परिमार्जन है, मॉडिफिकेशन है, द्वारा अभिव्यक्त होता है, यदि दिखाई देता है। नवीन ज्ञान और प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखना कहलाती है, वुडवर्थ ने बहुत ही बेहतरीन डेफिनेशन, नवीन ज्ञान और प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखना कहलाती है। कैल्विन ने कहा था कि अनुभव के आधार पर हमारे पूर्व निर्मित व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया ही सीख, तो आपने देखा सीखना क्या है, सीखना व्यवहारों में परिवर्तन है, सीखना क्या भाई, व्यवहारों में परिवर्तन है, साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो। अब सीखने की कुछ विशेषताएं हैं, अधिगम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देखते हैं क्या। अधिगम परिवर्तन होता है, मतलब सीखना क्या भाई, परिवर्तन है, सिंपल सी बात है, परिवर्तन है। हमने पुराने व्यवहार कुछ और था, फिर हम बाद में सीख लिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप साइकिल चलाना नहीं सीखते थे, फिर आपने साइकिल चलाना सीख लिया, तो आपके क्या हो व्यवहार, आपने स्विमिंग नहीं आता था, पानी में जाते थे डूब जाएंगे, तो स्विमिंग सीख लिया, आपका व्यवहार आपका परिवर्तन हो गया।
अधिगम जीवन भर चलता रहता है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप बचपन में ही कोई, जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे एडिटिंग सीखना हो गया, कढ़ाई सीखना हो गया, पेंटिंग सीखना हो गया, संगीत सीख, कुछ भी है वो आप कभी भी सीख सकते हैं। तो जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, सीखना विकास भी है, सीखना विकास है भाई। जैसे जैसे सीखते जाते हैं आप विकसित हो जाते हैं, आपका विकास होता जाता है। सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया, सार्वभौमिक मतलब कोई जो नहीं कि इंडिया में चलती है, कोई जो नहीं कि यूपी में, हर जगह सार्वभौमिक हमेशा चल रहा है, यूनिवर्सल प्रोसेस है, हर जगह हर व्यक्ति सीखता रहता है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है, हम कभी कभी किसी उद्देश्य के लिए सीखते हैं, ठीक है। जैसे इंजीनियरिंग के बच्चे इंजीनियरिंग सीखते हैं, मेडिकल के बच्चे मेडिकल सीखते हैं, स्विमिंग जो है उनको स्विमिंग, कुश्ती वाले कुश्ती सीखते हैं। तो सीखता क्या है भाई, एक उद्देश्यपूर्ण, एक हमें किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए हम चीज़ों को सीखते रहते हैं, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए, मैं बहुत ज़्यादा वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आसान से शब्दों में है इसको, बस ऐसे अपने शब्दों में बनाकर लिखते जाना है। सीखना समायोजन की प्रक्रिया है, एडजस्टमेंट की प्रक्रिया है, ठीक है। सीखना क्या, समायोजन, एडजस्टमेंट। मैं एग्जांपल के तौर पे, आप जैसे किसी दूसरे कंट्री में चले गए, वहाँ की आपको लैंग्वेज नहीं आती, वो सीख जाएंगे, आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा, तभी वहाँ पे एडजस्ट कर पाएंगे, तो वो एडजस्टमेंट की एक प्रक्रिया हो जाएगी। सीखना अनुभवों का संगठन है, सीखना क्या भाई, अनुभवों का संगठन है, संगठन है मतलब जैसे जैसे अनुभव आते हैं संगठित होकर आपको सीखना कहलाती है, तभी तो व्यवहार में परिवर्तन होता है। अब यहाँ पे एक अच्छा सवाल आपसे कई बार पूछता है दोस्तों, कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो आपके अधिगम को यानी सीखने को प्रभावित करते हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो आपके सीखने को, आपके अधिगम को प्रभावित करते हैं, कई बार आपसे सवाल पूछता है, तो आपको हेडिंग वाइज लिखना है यहाँ पे, ठीक। तो अब कुछ कारक जो हैं, जो फैक्टर हैं, द फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग ऑफ लर्निंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ जैसे विद्यार्थी संबंधित कारक, शिक्षक संबंधित कारक, विषय वस्तु और वातावरण संबंधित कारक, इन चार पॉइंट के आधार पर, इन चार हेडिंग के आधार पर आपको लिखना है। तो विद्यार्थी संबंधित भी बहुत सारे कारक हो सकते हैं जो उनके सीखने को प्रभावित करते हैं, सीखने को प्रभावित मतलब जो उनको सीखने में फ़ायदा करते हैं या सीखने के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो शारीरिक स्वास्थ्य, बच्चों संबंधित शारीरिक स्वास्थ्य बच्चे का कैसा है, कोई बच्चा बहुत बीमार पड़ता रहता हो तो सीखने में प्रभावित करता है, कोई बच्चा बहुत हेल्थी हो तो वो सीखने में जल्दी सीख सकता है, जैसे बॉडी वाइज अगर अच्छा हो तो स्विमिंग हो या कोई भी चीज़ हो जल्दी सीख सकता है, ऐसा उसको प्रभावित कर सकता है। मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है, सीखने की इच्छा कितनी है बच्चे का, सीखने का समय, सीखने में तत्परता, विद्यार्थी या बालक की मूलभूत क्षमता कितनी है, बुद्धि स्तर, रुचि, अभिप्रेरणा का स्तर, तो ये बच्चे से रिलेटेड वो पॉइंट है जो उसको सीखने को प्रभावित करते हैं, ठीक। ठीक वैसे ही टीचर भाई, जो टीचर जो सिखा रहा है, जो ट्रेनर सिखा रहा है, उसको कितना विषय का ज्ञान है, ठीक है, अच्छा अच्छा अगर ट्रेनर हो तो अच्छा सिखा सकता है, उसको खुद थोड़ा कम ज्ञान हो तो वो कैसे सिखाएगा, तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि सीखने वाले को कितना ज्ञान, सिखाने वाले को कितना ज्ञान, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य कैसा है सिखाने वाले का, समय सारणी का निर्माण, व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान, उस बच्चे के अंदर, उस पढ़ाने वाले सिखाने वाले के अंदर कितना ज्ञान है व्यक्तिगत विभिन्नता का, शिक्षण पद्धति, कौन सी पद्धति से सिखा रहा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसको पढ़ाने की इच्छा है कि नहीं, बच्चे को पढ़ने के लिए पढ़ाने का इच्छा भी होना चाहिए, व्यवसाय के प्रति निष्ठा, वो अपने कर्तव्यों के लिए, अपने व्यवसाय के लिए कितना वो निष्ठा, अपना कितना ईमानदारी पेश करता है, अभ्यास कार्य को दोहराने की व्यवस्था, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल, मनोविज्ञान एवं बाल प्रकृति का ज्ञान, मनोविज्ञान का उसको ज्ञान है कि नहीं, बच्चों के प्रकृति का, उनके बच्चों की प्रवृत्ति का उनको ज्ञान है कि नहीं, तो ये वो चीज़ है जो शिक्षक से संबंधित है जो सीखने को प्रभावित कर सकते हैं, अधिगम को प्रभावित कर सकते हैं। विषय वस्तु संबंधित, विषय वस्तु की प्रकृति कैसी है, जैसे कुछ चीज़ें ना बहुत कठिन होती हैं, जैसे आप एग्जांपल के, तो भाषा सीखना बहुत इंटरेस्टिंग होता है, वहीं कंपैरेटिवली अगर मैथ देखेंगे तो मैथ बहुत बच्चों को समझ नहीं आता, तो कुछ चीज़ें उसकी प्रकृति कैसी है सीखने या सिखाने की चीज़ें, कुछ विषय होते हैं बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। विषय वस्तु का आकार कितना लेंदी है, कैसे है, उसकी लिखावट कैसी है, उसकी बनावट कैसी है, विषय वस्तु का उद्देश्य, किस उद्देश्य से सीखा जा रहा है, ये भी चीज़ें, जैसे बच्चों को क्रिकेट सिखाइए मज़ा आ जाएगा, वहीं बच्चों को कुछ और चीज़ सिखाई जो थीरी है तो मज़ा नहीं आएगा। भाषा शैली, सीखने सिखाने की शैली कैसी है उस विषय वस्तु की, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री भाई कैसे आप उसको सिखा रहे हैं, नॉर्मल आप ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, 3D में पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, तो इस बात पे डिपेंड करता है, इस बात पे भी सीखना सिखाना प्रभावित होता है। रुचिकर विषय वस्तु, किसी बच्चे को बहुत इंटरेस्ट है मैथ में तो वो सीखेगा, किसी को बायोलॉजी में इंटरेस्ट है वो सीखेगा, तो जो विषय में इंटरेस्ट हो, रुचि हो, तो वो भी क्या करता है, सीखने को प्रभावित करता है। वातावरण संबंधी देखिए, विद्यालय की स्थिति, किस स्थिति में विद्यालय है, कक्षा का पर्यावरण कैसा है, ठीक है, पारिवारिक वातावरण कैसा है, बच्चा जिस परिवार में रहता है, मान लीजिए हमेशा लड़ाई चलता है, कलह मचा रहता है, तो वो प्रभावित करेगा उसके सीखने को। भौतिक वातावरण कैसा है, अच्छा पारिवारिक वातावरण का मतलब हो सकता है जैसे किसी बच्चे के घर पर दुकान हो, बिजनेस हो, तो कैलकुलेशन में उसका वो तेज रहता है, अच्छा रहता है, कॉमर्स या कैलकुलेशन उसको मज़ा आएगा, ठीक है, पॉलिटिक्स हो तो हिस्ट्री ये सब चीज़ें जानने में अच्छा है,
तो पारिवारिक वातावरण कैसा है ये भी बच्चे को सीखना प्रभावित करता है। सामाजिक वातावरण किस समाज में रहता है वो, विशेष सामग्री की प्रकृति, मनोवैज्ञानिक वातावरण, उसका मन कैसा रहता है, मतलब शांत स्वभाव का है कि हमेशा ये वो, ये सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को सीखने सिखाने में प्रभावित करती है। ठीक है, इससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे मोस्टली आपसे, अधिगम, उसकी अर्थ परिभाषा और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, इन 3-4 पॉइंट से आपको सवाल पूछे जाते हैं। आप इसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं। चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट बहुत ही मजेदार, बहुत ही आसान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट है दोस्तों वृद्धि और विकास के बारे में। चलिए देखते हैं अभिवृद्धि या वृद्धि किसे कहते हैं, आइए जरा देखते हैं। देखिए वृद्धि और विकास में मूलतः अंतर क्या है भाई, वृद्धि और विकास कभी कभी हम एक ही शब्द में मानते हैं लेकिन इसमें मनोवैज्ञानिक में कुछ अंतर है। क्या अंतर है? अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर और अंगों के भार या आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को नापा या तोला जा सकता है। ठीक है, नापा या तोला जा सकता है। वृद्धि और विकास दोनों शब्द सेम चीज़ लिखा गया, इस वृद्धि को नापा या तोला, जबकि विकास क्या है भाई, विकास को आप नाप नहीं सकते। ठीक है, विकास को आप अनुभव कर, जैसे एग्जांपल के तौर पे ऊंचाई, भार, चौड़ाई, हाथ पैर का बढ़ना, बालों का बढ़ना, ये वृद्धि या अभिवृद्धि कहलाती है। जो चीज़ें आप नाप सकते हैं, तो वृद्धि का मतलब वो आप जिसको नाप सकते हो। विकास का मतलब दोस्तों, विकास का संबंध अभिवृद्धि के अभिवृद्धि से अवश्य होता है, पर यह शरीर के अंगों में न होने वाले परिवर्तन को विशेष रूप से व्यक्त करता है। शरीर में होने वाले अंगों को विशेष रूप से व्यक्त करता है। जैसे बालक की हड्डी या आकार बढ़ जाए तो यह बालक की अभिवृद्धि है, जबकि हड्डी कड़ी हो जाने के कारण उनके शरीर में परिवर्तन आ जाता है, वह विकास दर्शाता है। जैसे बच्चे का हड्डी बढ़ जाना या बच्चे को, तो यह हमें दिखाता है कि बच्चा का वृद्धि हुआ है, लेकिन कम्प्लीटली एक शारीरिक विकास तो एक अलग तरीके से दिखाता है। ठीक है, जैसे बच्चा छोटा था तो हाइट में बढ़ गया तो ये अभिवृद्धि हो गई, लेकिन बच्चा बड़ा हो गया, एक कम्प्लीट विकास हो गया, वो बच्चे से वो शैशवावस्था से बाल्यावस्था में, तो ये कम्प्लीट उसका विकास हो गया। समझ में आ गया? हाइट बढ़ जाना, वेट बढ़ जाना, ये अभिवृद्धि है, लेकिन शैशवावस्था से बाल्यावस्था में आ जाना एक विकास कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, विकास एक निश्चित दिशा में होती है तथा एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जैसे विकास हो गया, तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो वापस फिर से बच्चा होगा, ये नहीं हो सकता। ठीक है, कोई हाइट बढ़ना हो गई, जैसे मान लीजिए वेट बढ़ जाना, तो वेट बढ़ गया फिर घट भी सकता है, लेकिन किसी चीज़ का विकास हो जाए जैसे बच्चे से बड़ा, फिर वो वापस नहीं हो सकता। ठीक है, हम ऐसे हम कह सकते हैं कि अवस्थाएँ भी कहा जाता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये एक क्रमिक विकास है। बालक के शरीर के विकास के साथ ही साथ उसका मानसिक विकास भी होता है। उदाहरण के लिए बालक की आयु में वृद्धि के साथ साथ उसकी मानसिकता और भावुकता के गुण जन्म लेते हैं और बढ़ते रहते हैं। ठीक है, उसकी सोचने की शक्ति, उसके भाव प्रकट करें, पहले बचपन में बात बात पे रोने लगता था, छोटी छोटी बातों पे वो चिड़चिड़ा हो जाता, बचपन बड़े होने के बाद थोड़ी सी स्थिरता आ जाती है, तो उसको विकास कहते हैं। अतः विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। अब इसके बीच में अंतर देखेंगे तो अंतर ज़्यादा समझ में आएगा। अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, आप बाहर से देख सकते हैं कि हाँ चलो बच्चा बड़ा हो गया। विकास आंतरिक होता है, विकास को अंतर ही अंदर चलता रहता है, बाहर रूप से भी दिखता है लेकिन अंदर रूप से आंतरिक होता है। ठीक, अभिवृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, कुछ समय के बाद अभिवृद्धि रुक जाएगी, लेकिन विकास क्या भाई, जीवन पर चलता रहता है। समझदारी तो हमेशा भाई इंसान समझदार होता रहेगा, हाइट एक पल के बाद रुक जाएगी। वृद्धि का संकुचित है कि यह विकास के अवयवों में से एक है। ठीक है, विकास के अवयव में से ही एक अभिवृद्धि है, जबकि विकास का व्यापक अर्थ शारीरिक विकास के साथ बौद्धिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक विकास। शारीरिक विकास के साथ साथ बुद्धि का विकास, सामाजिकता का विकास, ये सारी चीज़ें विकास के अंतर्गत आती हैं। अगला, अभिवृद्धि का कोई निश्चित दिशा नहीं होता। ठीक है, घटता बढ़ता रहता है, जबकि विकास एक सदैव निश्चित दिशा में बढ़ जाता है, बच्चे का विकास होता चला जाएगा। अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, विकास का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है विकास का। अभिवृद्धि केवल शारीरिक पक्षों में होने वाला परिवर्तन है, जबकि विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है। अभिवृद्धि सीधे मापा जा सकता है, जबकि विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है। लंबाई बढ़ गया, मोटाई बढ़ गया, वेट बढ़ गया, तो ये एक अभिवृद्धि हो गई, लेकिन संपूर्ण रूप से देखेंगे तो बच्चे का विकास हो गया। अब कुछ चीज़ें हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। जैसे मानव जन्म से लेता है तो कुछ ना कुछ ऐसे कारक होते हैं, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो विकास को प्रभावित करते रहते हैं। वो कारक क्या क्या है भाई, जरा हम सीधे पॉइंट पे आ जाएंगे। ठीक है, पॉइंट पे आ जाएंगे, बाकी मैं इसका PDF जरूर शेयर कर दूंगा, आप ग्रुप से PDF लीजिएगा। जैसे उसका हेरिडिटी, उसका वंशानुक्रम, माँ बाप से कैसे रहा है, माता पिता की कैसी चीज़ें स्वास्थ्य रही हैं, इससे भी उसके विकास प्रभावित हो। जैसे मान लीजिए दो बालक हैं जिनका जन्म एक साथ हुआ, एक का शारीरिक विकास या मानसिक विकास तीव्र गति से हो जाता है, क्योंकि उसके परिवार में ऐसी उसकी वंशानुक्रम, अनुवांशिकता चीज़ें हैं, हेरिडिटी है, तो वो भी चीज़ें क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। जबकि
दूसरे बालक का क्या था, उसकी हो सकती है अनुवांशिकता कुछ प्रॉब्लम रही होगी तो वो उस तरीके से विकास नहीं कर पाया। वातावरण पर भी प्रभावित करता है, भोजन पे। वातावरण का मतलब जैसे कि समाज किस परिवेश में आप रहते हैं, कैसा आपका वातावरण है, तो उस तरीके से भी आपका विकास होता है। आप देखेंगे एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लोगों की हाइट एक समानता रहती है, जैसे मान लीजिए आप किसी दूसरे देश में चले जाएँ या फिर कहीं और चले जाएँ तो वहाँ एक कहीं कहीं लोग बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, तो उसकी प्रकृति उसका वातावरण कैसा है उस आधार पर भी उसका विकास होता है। भोजन किस प्रकार का खान पान होता है, अगर सही पौष्टिक मिले, संतुलित बैलेंस डाइट मिले तो विकास ज़्यादा बेहतर होता है। पारिवारिक स्थिति क्या है, दिनचर्या क्या है। दिनचर्या का मतलब दोस्तों योगा है, खेलकूद है, कोई बच्चा घर में ही पड़ा रहता है मोबाइल की तो उसका विकास थोड़ा सा कम होगा। पारिवारिक स्थिति क्या है, ट्रिप जाना, घूमना, योगा करना, साथ उठना बैठना, हंसमुख माहौल रहता है तो विकास बच्चे का ज़्यादा होता है। चलिए तो कुछ इस तरीके के पॉइंट है दोस्तों जो हमें प्रभावित करते हैं। तो यहाँ तक बात हो गई वृद्धि और विकास की। मैं आशा करता हूँ अगर आपसे सवाल पूछता है तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। दो पॉइंट और बच रहे हैं। दो पॉइंट क्या है भाई, एक है मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, दूसरा है दोस्तों व्यक्तित्व। दोस्तों इन दूसरों को हम अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हम अगले जस्ट इसके बाद हम वीडियो को बना के तुरंत नीचे कमेंट में हम पिन दे देंगे, वो लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। मैं भी थोड़ा सा थक गया लेकिन हाँ हम बना ज़रूर लेंगे, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके एग्जाम में तो डेफिनेटली इन तीनों में से तीन सवाल आपको कन्फर्म देखने को मिलेगा दोस्तों, कन्फर्म चार हो गया ना, चार पॉइंट, चार में से चार। पहला मनोविज्ञान, दूसरा था अवस्थाएं किशोरावस्था बाल्यावस्था, तीसरा था अधिगम, चौथा था आपका वृद्धि और विकास। दो पॉइंट और रह रहा व्यक्तित्व और दूसरा सामाजिक संतुलन, समाज। तो इसको भी हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, मैं वहाँ पर लिंक दे दूंगा कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर देख लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे ये वीडियो बना के आपसे पढ़ के। मैं आशा करता हूँ कि आपको भी पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय प्रतिक्रियाएँ ज़रूर दे दीजिएगा, कैसी लगी है वीडियो आप हमें ज़रूर बता दीजिएगा। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल से नहीं जुड़ा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने कमेंट, अपनी राय प्रतिक्रियाएँ ज़रूर दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इसे कॉलेज ग्रुप में शेयर करते हैं, कॉलेज ग्रुप में एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।